हम भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग उतर चुके हैं करला भवानी मंदिर से। ये जगह सनसेट हो रहा है अभी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ माता करला भवानी के मंदिर, जो कि डोंगरगढ़ से पड़ता है 12 किलोमीटर और राजनांदगांव से पड़ता है तकरीबन 35 किलोमीटर। और इस खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा है माँ भवानी का मंदिर। तो हम जाएंगे ऊपर सीढ़ियों से इस खूबसूरत से पहाड़ में। यहाँ का सीढ़ी काफी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो उसकी वजह। कैसा लग रहा है साहब हमारे यहाँ करला भवानी मंदिर में आके? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भैया ये हमारे यूपी से हैं, हमारे एक साहब, एक सर हमारे एमपी बालाघाट से हैं। उनको हम लेके आए हैं हमारे करला भवानी माता के मंदिर धारा करेला। और मैं खुद लगभग 4 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ, 3 साल 4 साल तो हो ही गए होंगे। बहुत सारी चीज़ें इन्हें दिख रही है। ये नहीं बना था जब मैं लास्ट टाइम आया था, तब अब ये भी हो गया पूरा। अभी कुछ दूर पैदल चलने के बाद अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? सीढ़ी के, सीढ़ी के पास। यहाँ से स्टार्ट होता है सीढ़ी। यहाँ का जो सीढ़ी है बहुत ज़्यादा खड़ी सीढ़ी है, थ्रेड का, राइजर और थ्रेड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन। थ्रेड का मिट जाता है। हाँ चलिए, जय माता दी। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। बहुत थकान हो गई है क्या? बहुत दिनों बाद सीढ़ी चढ़ा ना, उसकी वजह से। अभी लगभग हम लोग यहाँ पे 50-100 सीढ़ी चढ़े होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ का सीढ़ी जो है वो सीधा खड़ी खड़ी चढ़ाई है। लगभग अभी हमारी सांस फूलना स्टार्ट हो गया है। बाकी हमारे दो बैटमैन और सुपरमैन ऊपर हैं। और हम भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। लगेगा कहीं बैठ जाना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल के देखता हूँ, इससे क्या पैर को थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। और इधर साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है यहाँ पे। शाम का टाइम है उसकी वजह से। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं। अगर आप आते हैं यहाँ बारिश के टाइम में, अगर आप यहाँ आएंगे तो ये नज़ारा देख के आप अपने ऊपर चढ़ के जो थकान है पूरी थकान आपकी मिट जाएगी। ये जो नज़ारा है, बारिश में बहुत ज़्यादा हरा भरा हो जाता है यहाँ पर का माहौल। बारिश में सबसे ज़्यादा बेस्ट सीन है, ठंड में भी है, गर्मी में भी यहाँ का अच्छा रहता है। और अब इस नज़ारे को बाय बाय टाटा करते हुए फिर चलते हैं हम आगे। अभी हम लगभग मंदिर के पास पहुँच ही गए हैं। थोड़ा सा बच्चा है बस, ज़्यादा दूर है नहीं। फिर भी लगभग 50 सीढ़ी अभी बाकी है। इधर बहुत खूबसूरत सा सनसेट, शाम का वक्त हो रहा है अभी तकरीबन 5:30-6 के आसपास का। चलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, चलते हैं आगे। यहाँ ऊपर पहुँचेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे आपको नारियल प्रसादी वगैरह मिल जाएगा। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। मैं यहाँ स्टार्टिंग में जब आया था 2007 में आया था, जब यहाँ ये सब कुछ नहीं बना था, छोटा सा माता की मूर्ति बस थी ऊपर में, ना सीढ़ी था, कुछ भी नहीं होता था उस टाइम में। और अभी तो बहुत ही सुंदर हो गया है। थोड़ा सा मैं बैठ गया था क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। फिर हम ऊपर चलते हैं। अभी मंदिर निर्माण का कार्य भी चालू है, लोग चंदा दे रहे हैं उसके हिसाब से। और ये कुछ इस टाइप का नज़ारा है जो सबसे सामने में भी, अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ वाली छोटी सी माता की मूर्ति और छोटा सा मंदिर था। और आज अष्टमी है, आज हवन होता है, तो हमको कहीं हवन मिला नहीं था, यहाँ मिला तो हमने यहाँ भी हवन में पूजा करके। फिर चलिए, अब वक्त हो गया है माँ भवानी के दर्शन करने का। और उसके बाद हम जाएंगे ज्योति कलश के भी दर्शन करेंगे। सबसे पहले माँ भवानी के दर्शन करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा है, आप आते हैं आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। तो माँ भवानी के दर्शन के साथ आइए। और कुछ इस टाइप का ये मंदिर यहाँ का, माता भवानी। और फिर अब दर्शन के बाद अब हम चलेंगे बाहर। हमने ज्योति कलश के भी दर्शन किए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि वो अंदर था और उस
की मनाही थी। तो गाइस फाइनली हम लोग उतर चुके हैं करला भवानी मंदिर से, अभी पूरा नहीं उतरे हैं। यहाँ पे एक जो अभी हमने जो स्टार्टिंग में आपको जो सीन जो दिखाया सीनरी, वहाँ पे अभी हम लोग हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से धर्मेंद्र कुमार सिंह, और MP बालाघाट से हमारे साथ मौजूद हैं अंकित बिसेन जी। और इनका ये पहली बार है, मैं इनको लेके आया, हमेशा डोंगरगढ़ जाते हैं, बोला एक बार यहाँ भी आके देखो, ये भी अच्छी जगह है। तो आपके हिसाब से क्या रहा यहाँ का जो रिव्यू? बहुत अच्छा मंदिर देखे, व्यू बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है। और आपका पीछे लेक है इधर, बढ़िया अच्छा। और ये अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये जगह। सनसेट हो रहा है अभी, सनसेट का टाइम है। ये इधर खाई है, ये अच्छा है, ये सेल्फी पॉइंट है, ये सेल्फी पॉइंट